कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर कल आंदोलन करने वाले हैं, बड़ा आंदोलन करना है। पहले अभिभाषण की पूछूंगा और उसके बाद आंदोलन की बात करूंगा। कैसा रहा आज का अभिभाषण? कि देखिए, राज्यपाल अभिभाषण में अभी स्वयं मैंने सुना है कि उच्च शिक्षा मंत्री जी ने भी इस पर बहुत नाराजगी जताई है कि उच्च शिक्षा के लिए इस अभिभाषण में उसका उल्लेख भी नहीं था। तो ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज अगर सबसे बड़ी चुनौती पूरे प्रदेश के सामने है तो ये है कि आज हमारे शिक्षित युवा बेरोजगार बैठे हैं, और जब तक हमारे युवाओं को अच्छी शैक्षिक गुणवत्ता उच्च शिक्षा में नहीं मिलेगी तो उनका भविष्य उज्जवल नहीं हो पाएगा। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत दुख की बात है कि उसका इस पर कुछ उल्लेख नहीं हुआ, और भी अनेक मुद्दे हैं जिसके बारे में हम हमारे जब चर्चा आएगी उसको हम उठाएंगे। कल आंदोलन होने वाला है, किस तरह की रूपरेखा है आपकी? क्योंकि काफी सुरक्षा भी कर दी गई है और मना भी कर दिया है कि भाई आंदोलन नहीं होना चाहिए, इस तरह का क्या लगता है आप किस तरह से? जी, कल 22 तारीख को आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के विधानसभा घेराव में पूरे प्रदेश से हर ब्लॉक से जनता एकत्रित होगी, कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता सब एकत्रित होंगे, और आप सबने देखा भी होगा, जनता भी देख रही है कि भाजपा का प्रशासन अब इस स्तर पर आ गया है कि वो पूरा प्रयास कर रहा है, जनता को गुमराह कर रहे हैं ताकि ये कार्यक्रम सफल ना हो। लेकिन क्योंकि अब जनता भी भाजपा को समझ चुकी है, वो जानती है कि भाजपा ने पिछले 13 साल में ऐसा कुछ काम नहीं किया है जिससे इस प्रदेश का विकास आगे बढ़े, तो अब प्रदेश की जनता चाह रही है कि परिवर्तन आए, और इसलिए मैं मानता हूँ कि कल आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी का अगले साल के चुनाव के लिए शंखनाद कल से चालू हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, क्या सभी नेता साथ में दिखाई देंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ जी और तमाम सब साथ में दिखाई देंगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सभी जो दिग्गज हैं, चाहे हम बात करें कमलनाथ जी की या सिंधिया जी की या दिग्विजय सिंह जी की या अपने अजय सिंह राहुल जी की या पचौरी जी की या और कांतिलाल भूरिया जी की, सब लोग साथ रहेंगे, और मैं मानता हूँ उनको ऐसे निरंतर कम से कम हर महीने ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए। माने कांग्रेस अब एक हो गई है? कांग्रेस हमेशा एक थी, बस बात यह है कि जब टिकट का समय आए तो सबका समन्वय अच्छी तरह बने। ठीक है, ये थे हमारे साथ जयवर्धन जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कल का जो आंदोलन होगा बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, और देश के अलग जितने प्रदेश के अलग अलग ब्लॉक से सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद होंगे और जो एक परिवर्तन को यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रदर्शित करने को जरूर कोशिश करेंगे। अनवर खान के साथ शरद व्यास, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल।